हाय दोस्तों, हेलबॉक्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे प्राइमरी ड्राई सेल के बारे में। प्राइमरी ड्राई सेल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, इसको अंदर में क्या रहता है। तो इसको जब हम ओपन करते हैं, तो ओपन करने से पहले हम इसका कुछ फंक्शन जान लेते हैं। जैसे प्राइमरी ड्राई सेल का इन्वेंट 1886 में कार्ल्स गैसनर ने इसका इन्वेंट किया था। उसी साल ही प्राइमरी मतलब जो या वेट सेल है वो भी इन्वेंट हुआ था। और एक्चुअली सेल दो तरह का होता है, एक है ड्राई सेल और वेट सेल। ड्राई सेल भी दो तरह का है, प्राइमरी है सेकेंडरी है। मेरे पास है प्राइमरी सेल जो इरिवर्सिबल है, जिसके एक बार चार्ज ख़त्म होने के बाद आप इसको चार्ज नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि इसका रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और जो सेकेंडरी सेल है, प्राइमरी मतलब जो ड्राई सेकेंडरी सेल है, उसको रिएक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का चार्ज बैटरी और जो भी चार्जर बैटरी है ड्राई, वो है प्राइमरी या सेकेंडरी ड्राई सेल। तो आइए इसको ओपन करते हैं। आप ये टॉप में जो रहता है, इसको है ब्रास कैप कहते हैं इसको, और इसका साइड में ये है कवर। तो पहले कवर को ओपन करते हैं। ये कवर कभी कभी प्लास्टिक का होता है और कभी कभी होता है पेपर का। तो पेपर के नीचे जो है मेटल रहता है, वो है जिंक का मेटल रहता है, जिंक। हाँ, तो आइए देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पतला सा, ये ख़त्म हो गया। ये है जिंक का कंटेनर जो केमिकल रिएक्शन के बाद थोड़ा नष्ट हो गया है। और इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये है प्लास्टिक कैप और ये इंसुलेटर। इस इंसुलेटर की तरह यूज़ होता है ये कैप और ये बोर्ड, और ये है कवर। तो आइए इसको ओपन करते हैं पूरी तरह से। और ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है डस्ट, ये जो डस्ट है ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये एक्चुअली केमिकल है जो बना होता है एमोनियम क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड जिंक क्लोराइड का मिक्सचर है, जो जिससे ही करंट पैदा होता है। तो इसको पूरी तरह हम ओपन कर लेते हैं। हाँ, इसका मिडिल में देखिए, एक तो रॉड तरह का है, ये ग्राफाइट का बना होता है। ये ग्राफाइट रॉड जो कैथोड के रूप में मतलब पॉजिटिव के रूप में काम आता है। और जो मेटल का बॉडी और पीछे का जो ये मेटल है, ये एक्चुअली एनोड है जो नेगेटिव है। तो इसका फंक्शन ये होता है, इसका इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन नॉट रिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार ख़त्म होने के बाद उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और ये जो केमिकल मिक्सचर है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहता है, जो आपको बताया अमोनियम क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड जिंक क्लोराइड का मिक्सचर है। हम जब इसको मतलब कनेक्ट करते हैं पूरी तरह से, मतलब सर्किट से, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव से कोई बल्ब जलाते हैं कुछ भी, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है और करंट फ्लो, वहीं से आयन प्रोड्यूस होता है। और करंट प्रोड्यूस होने के बाद वो बाहर सर्किट के थ्रू ट्रांसलेट मतलब ट्रांसफ़र होता है। और जब तक ये केमिकल पूरी तरह ट्रांसफ़र नहीं हो जाता दूसरे केमिकल में, तब तक ये चलता रहता है। तो यही प्रोसेस है बैटरी का, ड्राई सेल का, और कह सकते हैं आप प्राइमरी सेल का, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। जो सेकेंडरी सेल है रिवर्सिबल, उसको जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो मेटल प्रोड्यूस होता है, जो केमिकल दूसरा केमिकल प्रोड्यूस होता है, तो वो जो सेकेंडरी सेल होता है वो उसको फिर से इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा द्वारा पहले जैसा पहला केमिकल में हम रिटर्न ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं होता है सेकेंडरी या प्राइमरी सेल में। सेकेंडरी सेल में वो होता है। और ये केमिकल रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक ये पूरी तरह केमिकल दूसरे केमिकल में ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। और जब भी हम इसको सर्किट को क्लोज कर देते हैं, जो बल्ब को या कुछ भी कनेक्ट होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन बंद हो जाता है, क्योंकि वो आयन का फ्लो ख़त्म हो जाता है। ये है बैटरी का फंक्शन और ये ग्राफाइट का बना हुआ होता है।
और ये बाहर का जिंक कैन होता है वो ख़त्म हो गया, और ये इसको कहता है इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल हेलबॉक्स सिंधी को नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा कर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।